भारत को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। भारत के साथ ही एक और पड़ोसी मुल्क भी अस्तित्व में आया था, पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास का एक पहलू ऐसा भी है जिससे हम लंबे अरसे तक अनजान रहे। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है और पाकिस्तान में यही आयोजन हर साल 14 अगस्त को होता है। ऐसे में हर साल ये सवाल उठता है कि जो दो मुल्क एक साथ आजाद हुए, उनके स्वतंत्रता दिवस में एक दिन का अंतर कैसे आ गया। हमने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। पाकिस्तान में बुजुर्ग बताते हैं कि पाकिस्तान रमजान की 27वीं रात को आजाद हुआ था। वो ये भी बताते हैं कि जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन अलविदा जुमा यानी रमजान के महीने के आखिरी शुक्रवार का दिन था। पाकिस्तान में ये भी बताया जाता है कि उस दिन 14 अगस्त 1947 की तारीख थी और पाकिस्तान अपने साथ आजाद होने वाले भारत से एक दिन बड़ा है। लेकिन जब हम 1947 का कैलेंडर देखते हैं तो पता चलता है कि उस दिन तो गुरुवार था और हिजरी तारीख भी 27 नहीं बल्कि 26 रमजान थी। फिर हम पाकिस्तान के डाक टिकट देखते हैं जो पाकिस्तान की स्वतंत्रता के 11 महीने बाद 9 जुलाई 1948 को जारी हुए थे। इन टिकटों पर साफ तौर पर पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 छपा हुआ है। फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी 14 नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 है। तो फिर स्वतंत्रता दिवस की पहली सालगिरह 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई गई? इस तरह दिमाग में एक बार फिर उलझन पैदा होती है कि पाकिस्तान आजाद कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को या फिर 15 अगस्त 1947 को। अगर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो आजादी के 11 महीने बाद प्रकाशित होने वाले डाक टिकटों पर स्वतंत्रता दिवस की तारीख 15 अगस्त क्यों लिखी हुई है? और अगर पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो वहां आजादी की पहली सालगिरह 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त 1948 को क्यों मनाई गई? और सबसे बढ़कर तो ये कि आज तक सालगिरह 15 के बजाय 14 अगस्त को क्यों मनाई जा रही है? पाकिस्तान वास्तव में कब आजाद हुआ, इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, जिसे ब्रिटिश संसद ने पास किया और जिसे ब्रिटेन के छठे राजा ने 18 जुलाई 1947 को प्रमाणित किया। इस एक्ट की एक प्रति पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली ने, जो इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, 24 जुलाई 1947 को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को भेजी। ये कानून 1983 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए दस्तावेज द ट्रांसफर ऑफ पावर के वॉल्यूम 12 के पेज नंबर 234 पर है। इसका अनुवाद कायदे आजम पेपर्स प्रोजेक्ट कैबिनेट डिवीजन पाकिस्तान सरकार इस्लामाबाद द्वारा प्रकाशित जिन्ना पेपर्स के उर्दू अनुवाद के वॉल्यूम 3 में देखा जा सकता है, पेज नंबर 45 से पेज नंबर 72 तक। इस कानून में साफ तौर पर लिखा है, 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश भारत में दो स्वतंत्र देश बनाए जाएंगे जो क्रमशः भारत और पाकिस्तान के नाम से जाने जाएंगे। इसके बाद इस कानून में इन देशों से मतलब नए देशों और तय किए गए दिन का मतलब 15 अगस्त की तारीख होगी। इस कानून के बारे में जारी होने वाले कुछ और आदेश देखें, जिनके कुछ अंश और अनुवाद जियाउद्दीन लाहौरी ने अपने लेख स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार 27 रमजान या 15 अगस्त सामग्री पत्रिका 36 कराची यूनिवर्सिटी के लेखन संकलन और अनुवाद विभाग में शामिल किया है। 7 अगस्त 1947 संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटिश स्थायी प्रतिनिधि को विदेशी कार्यालय का तार। अब वायसराय ने तार भेजा है कि मुसलमान नेता संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए अर्जी देने की जरूरत को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से अर्जी दायर करे और जब पाकिस्तान 15 अगस्त को एक आजाद देश बन जाएगा तो वो इसकी प्रमाणिकता सीधे तौर पर खुद करेगा। 12 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान की सदस्यता के विशेषाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के ज्ञापन की प्रेस विज्ञप्ति से एक अंश। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट में है कि अगस्त 1947 की 15 तारीख को भारत में दो स्वतंत्र देश क्रमशः भारत और पाकिस्तान के नाम से स्थापित होंगे, पेज नंबर 685। माउंट बेटन की मुश्किल।
ब्रिटिश सरकार ने ये ऐलान तो कर दिया कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही समय यानी 15 अगस्त 1947 को जीरो आवर पर स्वतंत्र होंगे, लेकिन मुश्किल ये हुई कि लॉर्ड माउंटबेटन को 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को नई दिल्ली में भारत की आज़ादी का ऐलान करना था। चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपनी थी और खुद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का पद संभालना था। मुश्किल का हल ये निकाला गया कि लॉर्ड माउंटबेटन 13 अगस्त 1947 को कराची जाएं और 14 अगस्त 1947 की सुबह पाकिस्तान की संविधान सभा को संबोधित करते हुए सत्ता हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी करें और ये ऐलान करें कि इस रात यानी 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात को पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। इसलिए ऐसा ही हुआ। 13 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची पहुंचे और उसी रात कराची के गवर्नर जनरल हाउस में उनके सम्मान में डिनर रखा गया। इसे संबोधित करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, मैं महामहिम के स्वास्थ्य का जाम पेश करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अलग अवसर है। आज भारत के लोगों को पूरी तरह से सत्ता हस्तांतरित होने वाली है और 15 अगस्त 1947 के तय किए गए दिन पर दो स्वतंत्र और संप्रभु देश पाकिस्तान और भारत अस्तित्व में आ जाएंगे। महामहिम की सरकार का ये फैसला उस बुलंद लक्ष्य को प्राप्त करेगा जिसे राष्ट्रमंडल का एकमात्र उद्देश्य घोषित किया गया था। वायसराय का संदेश और आज़ादी का ऐलान। अगले दिन गुरुवार 14 अगस्त 1947 26 रमजान 1366 हिजरी की सुबह 9 बजे कराची की वर्तमान सिंध असेंबली बिल्डिंग में पाकिस्तान की संविधान सभा का विशेष सत्र शुरू हुआ। सुबह से ही बिल्डिंग के सामने उत्साहित जनता एकत्रित थी। जब पाकिस्तान के नामित गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन एक विशेष बग्गी में सवार होकर असेंबली हॉल पहुंचे तो जनता ने उत्साहित नारों और तालियों से उनका स्वागत किया। असेंबली की सभी कुर्सियां भरी हुई थीं। गैलरी में नामचीन लोग, राजनेताओं और देश विदेश के अखबारों के संवाददाताओं की भारी संख्या मौजूद थी। अध्यक्ष की कुर्सी पर संविधान सभा के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना बैठे थे और उनके बराबर में लॉर्ड माउंटबेटन की कुर्सी थी। दोनों ने जब अपनी अपनी कुर्सी संभाली तो औपचारिक तौर पर कार्रवाई की शुरुआत की गई। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटेन के राजा का संदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें जिन्ना को संबोधित करते हुए कहा गया था, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के देशों की पंक्ति में शामिल होने वाले नए राष्ट्र की स्थापना के महान अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने जिस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त की है वह पूरी दुनिया में स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के लिए एक उदाहरण है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने में आपका साथ देंगे। इस संदेश के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने विदाई भाषण दिया और पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। अपने इस भाषण में लॉर्ड माउंटबेटन ने साफ शब्दों में कहा था, आज मैं आप लोगों को आपके वायसराय की हैसियत से संबोधित कर रहा हूँ। कल नई डोमिनियन पाकिस्तान सरकार की बागडोर आपके हाथों में होगी और मैं आपके पड़ोसी देश डोमिनियन ऑफ इंडिया का संवैधानिक प्रमुख बनूंगा। दोनों सरकारों के नेताओं ने मुझे संयुक्त रक्षा परिषद का तटस्थ अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया है। ये मेरे लिए एक सम्मान है जिस पर मैं पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। कल दो नए संप्रभु राष्ट्र राष्ट्रमंडल में शामिल होंगे। ये नए राष्ट्र नहीं होंगे बल्कि ये एक प्राचीन गौरवपूर्ण सभ्यता के उत्तराधिकारी राष्ट्र हैं। इन पूरी तरह से स्वतंत्र देशों के नेता बड़े मशहूर हैं, दुनिया की नज़रों में बहुत सम्मान से देखे जाते हैं। उनके कवियों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और फौजों ने इंसानियत के लिए न भुलाई जाने वाली सेवाएं की हैं। इन देशों की सरकारें अनुभवहीन और कमज़ोर नहीं हैं बल्कि दुनिया भर में शांति और विकास में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता रखती हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जिन्ना ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड के राजा और वायसराय का धन्यवाद किया और उन्हें आश्वासन दिया कि हमारी पड़ोसियों से बेहतर और दोस्ताना संबंधों की भावना कभी कम नहीं होगी और हम पूरी दुनिया के दोस्त रहेंगे। विधानसभा की कार्यवाही और स्वतंत्रता के ऐलान के बाद मोहम्मद अली जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन के साथ शाही बग्गी में गवर्नर जनरल हाउस वापस हुए। दोपहर 2 बजे लॉर्ड माउंटबेटन नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां उसी रात 12 बजे भारत की आज़ादी के ऐलान के साथ उन्हें भारत के गवर्नर जनरल का पद भी संभालना था।
लॉर्ड माउंटबेटन के स्वतंत्रता के ऐलान के अनुसार 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को 12 बजे दुनिया के नक्शे पर एक स्वतंत्र और संप्रभु और इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े देश की वृद्धि हुई, जिसका नाम पाकिस्तान है। ठीक उसी समय लाहौर और ढाका से पाकिस्तान प्रसारण सेवा से पाकिस्तान की स्वतंत्रता का ऐलान हुआ। इससे पहले 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को लाहौर, पेशावर और ढाका स्टेशनों से रात 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो ने अपना आखिरी ऐलान प्रसारित किया था। 12 बजे से कुछ पल पहले रेडियो पाकिस्तान की सिग्नेचर ट्यून बजाई गई और जहूर आजर की आवाज में अंग्रेजी में एक ऐलान किया गया कि आधी रात के समय पाकिस्तान एक स्वतंत्र और संप्रभु देश अस्तित्व में आएगा। रात के ठीक 12 बजे हजारों श्रोताओं के कानों में पहले अंग्रेजी में और फिर उर्दू में ये शब्द गूंजे, ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। अंग्रेजी में ये ऐलान जहूर आजर ने और उर्दू में मुस्तफा अली हमदानी ने किया था। इस ऐलान के तुरंत बाद मौलाना जहीर अल कासमी ने कुरान की सूरह अल फतह की आयतों का पाठ किया, जिसके बाद उनका अनुवाद प्रसारित किया गया। इसके बाद ख्वाजा खुर्शीद अनवर द्वारा बनाई गई एक विशेष रचना प्रसारित की गई। फिर संतो खां और उनके साथियों ने कव्वाली में अल्लामा इकबाल की नज्म साकी नामा के कुछ शेर पेश किए। ये प्रसारण हफीज होशियारपुरी के भाषण के साथ समाप्त हुआ। आधी रात के समय ही रेडियो पाकिस्तान पेशावर से आफताब अहमद बिस्मिल ने उर्दू में और अब्दुल्ला जान मगमूम ने पश्तो में पाकिस्तान की स्थापना का ऐलान किया, जबकि कुरान का पाठ करने का सम्मान कारी फिदा मोहम्मद को मिला। प्रसारण का समापन अहमद नदीम कासमी द्वारा लिखित एक गीत के साथ हुआ, जिसके बोल थे, पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान मुबारक हो। उसी समय इस तरह का ऐलान रेडियो पाकिस्तान ढाका से अंग्रेजी में कलीमुल्लाह ने किया, जिसका अनुवाद बंगला भाषा में प्रसारित किया गया था। 15 अगस्त 1947 की सुबह रेडियो पाकिस्तान लाहौर ट्रांसमिशन की शुरुआत सुबह 8 बजे कुरान की सुरा आले इमरान की चुनिंदा आयतों से हुई। कुरान की आयतों के पाठ के बाद अंग्रेजी समाचार की शुरुआत हुई, जिसे न्यूज रीडर नोबी ने पढ़ा। समाचार के बाद ठीक 8:30 बजे जिन्ना की आवाज में एक संदेश सुनवाया गया, जो पहले ही रिकॉर्ड किया गया था। इस भाषण की एक ऑडियो क्लिप यूट्यूब पर उपलब्ध है। जिन्ना के भाषण की शुरुआत इन शब्दों से हुई थी, बहुत ही खुशी और भावनाओं के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 अगस्त स्वतंत्र और संप्रभु पाकिस्तान के जन्म का दिन है। ये मुसलमानों की मंजिल की निशानी है, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने वतन को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अपने इस संबोधन में जिन्ना ने पाकिस्तान के सभी नागरिकों को पाकिस्तान की संप्रभु देश स्थापित होने पर बधाई दी और कहा कि इस नए देश के स्थापित होने के साथ पाकिस्तान के लोगों पर जबरदस्त जिम्मेदारियां बनती हैं। अब उन्हें दुनिया को ये साबित करके दिखाना होगा कि किस तरह एक राष्ट्र जिसमें विभिन्न तत्व शामिल हैं आपस में मिलजुल कर शांति और सद्भाव के साथ रहता है। स्वतंत्रता दिवस का इतिहास डॉन अखबार के पन्नों की रोशनी में। उसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 की सुबह समाचार पत्रों ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेषांक प्रकाशित किए और अंग्रेजी के लोकप्रिय अखबार डॉन ने कराची से अपने प्रकाशन की शुरुआत की। इस विशेषांक का शीर्षक था, मे पाकिस्तान प्रॉस्पर ऑलवेज लॉर्ड माउंटबेटन, यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, पाकिस्तान हमेशा तरक्की करे। शीर्षक के नीचे प्रकाशित होने वाली खबर में लॉर्ड माउंटबेटन के उस भाषण का पूरा टेक्स्ट लिखा गया था, जिसका एक हिस्सा हमने आपको अभी बताया। समाचार पत्र डॉन ने इस अवसर पर एक खास 32 पन्ने का परिशिष्ट भी प्रकाशित किया, जो पाकिस्तान में संरक्षित है, और इसे यूट्यूब पर भी डॉन 15 अगस्त 1947 टाइप करके सर्च किया जा सकता है। डॉन के इस परिशिष्ट में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का एक संदेश भी शामिल था, जो 10 औरंगजेब रोड नई दिल्ली से जारी किया गया था। हालांकि इस संदेश को जारी करने की तारीख दर्ज नहीं है, लेकिन ये बात निश्चित है कि ये संदेश 7 अगस्त 1947 से पहले जारी हुआ था। इस संदेश में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, मुझे सूचित किया गया है कि डॉन का पहला अंक
15 अगस्त को पाकिस्तान की राजधानी कराची से प्रकाशित किया जाएगा। सरकारी आदेशों और कागजात में स्वतंत्रता दिवस का उल्लेख। उसी दिन लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अब्दुल रशीद ने जिन्ना को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में पद की शपथ दिलाई और उसी दिन नवाबजादा लियाकत अली खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की पहली कैबिनेट के सदस्यों ने भी पद की शपथ ली। इन सभी उद्देश्यों और दस्तावेजी साक्ष्यों से ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया। पाकिस्तान की स्थापना के पहले वर्ष में किसी को कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ। इस बात को मजबूती इस तथ्य से भी मिलती है कि 19 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान के गृह विभाग ने अपने पत्र 17/47 में 1948 की जिन वार्षिक छुट्टियों का ऐलान किया उनमें 1948 के लिए पाकिस्तान दिवस की छुट्टी के आगे 15 अगस्त 1948 की तारीख दर्ज की गई थी। ये पत्र नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इस्लामाबाद में संरक्षित है। 1948 की पहली तिमाही में पाकिस्तान के डाक विभाग ने पाकिस्तान के शुरुआती डाक टिकटों की डिजाइनिंग और छपाई के काम की शुरुआत की। ये 4 डाक टिकटों का सेट था जिसमें से पहले 3 डाक टिकट को बाहरी प्रचार विभाग के राशिदुद्दीन और मोहम्मद लतीफ ने संयुक्त रूप से डिजाइन किया था, जबकि 4th डाक टिकट और इसके साथ प्रकाशित होने वाले फोल्डर को पाकिस्तान के महान कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाया था। ये डाक टिकट ब्रिटिश प्रिंटिंग प्रेस मेसर्स टॉमस डी लारो में छपे थे और 9 जुलाई 1948 को बिक्री के लिए पेश किए गए। उन पर भी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की तारीख 15 अगस्त 1947 लिखी गई थी, यानी कि जब ये डाक टिकट डिजाइन हुए और प्रकाशन के लिए ब्रिटेन भेजे गए उस समय तक ये निश्चित था कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। सच की तलाश में कई रिकॉर्ड खंगाले, तो फिर पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से 14 अगस्त कब हुआ? यह रहस्य सुलझाने के लिए हमने नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कैबिनेट डिवीजन इस्लामाबाद का दरवाजा खटखटाया। वहां हमारी मुलाकात केंद्र के निदेशक कमर अल जमान से हुई, जिनकी मदद से हमारी पहुंच उस सेंटर में संग्रहित उन फाइलों तक हुई जिन्हें लंबे समय तक गुप्त रखा गया था और अब वे जनता के लिए खोल दी गई हैं। इन फाइलों के अध्ययन से हमें पता चला कि मंगलवार 29 जून 1948 को कराची में प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खान की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई थी। इसमें विदेश मंत्री, कानून एवं श्रम मंत्री, शरणार्थी एवं पुनर्वास मंत्री, खाद्य मंत्री, कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री मौजूद थे। बैठक ने निर्णय लिया कि पाकिस्तान का पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 1948 के बजाय 14 अगस्त 1948 को मनाया जाए। प्रधानमंत्री लियाकत अली ने कैबिनेट को बताया कि ये निर्णय अंतिम नहीं है, वो ये मामला गवर्नर जनरल के संज्ञान में लाएंगे और जो भी अंतिम निर्णय होगा जिन्ना की मंजूरी के बाद होगा। जिस फाइल में ये जानकारी दर्ज है उसका नंबर CF/48/196 है और केस नंबर 393/54/48 है। इस फाइल में दर्ज कार्रवाई अंग्रेजी में लिखी गई है। इसका अनुवाद है, माननीय प्रधानमंत्री ने ये जिम्मेदारी संभाली है कि वो कायदे आजम तक ये सुझाव पहुंचाएं कि हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को मनाया जाना चाहिए। इस फाइल में ये नहीं लिखा कि ये सुझाव सबसे पहले किसने दिया था और 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के पक्ष में क्या तर्क दिए गए थे। कार्रवाई के अंत में ब्रैकेट में लिखा गया है कि कायदे आजम ने प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। फाइल आगे चलती है। अगले पेज में केस नंबर CM/48/54 तारीख 12 जुलाई 1948 के तहत कैबिनेट डिप्टी सेक्रेटरी एस उस्मान के हस्ताक्षर के साथ लिखा है कि उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 29 जून 1948 को होने वाली कैबिनेट की बैठक के निर्णय से सभी मंत्रियों और उनके मंत्रालयों के संबंधित सचिवों को सूचित करें ताकि इस संबंध में निर्णय को लागू किया जा सके। फाइल में अगले आदेश का नंबर 15/2/48 है जो 13 जुलाई 1948 को जारी हुआ और इस पर पाकिस्तान सरकार के उप सचिव अहमद अली के दस्तखत हैं। आदेश में कहा गया था,
पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस का समारोह 14 अगस्त 1948 को आयोजित किया जाएगा। इस दिन पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश होगा और सभी सरकारी और सार्वजनिक इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा। इसी बारे में एक आदेश और भी है जिस पर पाकिस्तान सरकार के सहायक सचिव मोहम्मद मुख्तार के हस्ताक्षर हैं, जिसका नंबर 15/2/48 है। इसमें भी वही आदेश दोहराया गया है जो इससे पिछले आदेश में दर्ज था। हालांकि इसमें जो अतिरिक्त बात थी वो ये कि इस निर्णय से पाकिस्तान के सभी मंत्रालयों, सभी प्रभागों, कैबिनेट सचिव, संविधान सभा, कायदे आजम के निजी और सैन्य सचिवों, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और भारत के उच्चायुक्त को सूचित किया जाए। फाइल में संरक्षित अगला आदेश 14 जुलाई 1948 को जारी हुआ और इसका डीओ नंबर CB/48/390 है। इसमें कैबिनेट के उप सचिव शुजात उस्मान अली ने गृह मंत्रालय के उप सचिव खान बहादुर सैयद अहमद अली को संबोधित किया है और उन्हें इस बारे में सूचित किया है। इसका अनुवाद है, प्रिय अहमद अली, कुछ दिन पहले आपने 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को मनाने के कैबिनेट के निर्णय के बारे में पूछा था कि ये निर्णय केवल इस वर्ष के लिए है या हमेशा के लिए है। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सिर्फ इस साल ही नहीं बल्कि हमेशा ये समारोह 14 अगस्त को मनाया जाएगा। मुझे यकीन है कि आप हर संबंधित व्यक्ति को इस निर्णय से सूचित कर देंगे। कैबिनेट के इस फैसले को लागू किया गया और पूरे देश में पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस का समारोह 14 अगस्त 1948 को मनाया गया। हालांकि समाचार पत्र डॉन ने स्वतंत्रता दिवस के बारे में अपना पहला वार्षिकी, जो 100 पेज के विशेष परिशिष्ट के तौर पर प्रकाशित किया गया था, 14 अगस्त के बजाय 15 अगस्त को ही प्रकाशित किया। इसका एक कारण ये हो सकता है कि इस वर्ष 15 अगस्त को रविवार था और ये दिन किसी समाचार पत्र के परिशिष्ट के प्रकाशन के लिए बहुत उपयुक्त था। 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने की ये प्रथा आज भी जारी है और ये धीरे धीरे स्थापित हो गया कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हालांकि इन दस्तावेजों का अध्ययन करने से ये बात बड़ी हद तक तय हो जाती है कि पाकिस्तान की पहली कैबिनेट ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता के इतिहास को नहीं बदला था बल्कि सिर्फ ये फैसला किया था कि हर साल पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को मनाया जाएगा और जिन्ना ने भी इस फैसले का समर्थन किया था। हमें यकीन है कि हमारे इस रिसर्च, लेख और वीडियो के प्रकाशन के बावजूद पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के इतिहास में सरकारी तौर पर कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये हकीकत न झुठलाई जा सकती है और न ही इसे बदला जा सकता है कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 है। उस दिन अलविदा जुमा था और इस्लामी तारीख 27 रमजान 1366 हिजरी थी।